अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सामने एक बहुत ही कलरफुल बैग लेके आए हैं। ये बैग आपके सामने देखिए कितना कलरफुल है। आजकल जो मौसम चल रहा है उसके मुताबिक ये हमारी मेजरमेंट और दो पीस हमने उसके काटे और ये लाइनिंग नीचे। आप ये जीन्स के अलावा भी किसी भी कपड़े पे बना सकते हैं, कॉटन पे। अब तो मेरा ख्याल है कि जीन्स वगैरह भी कलरफुल मिल जाते हैं इस तरह की, तो हम लोग उस पर भी बना सकते हैं। अब ये हमारी ऊपर टिकन हमने लगाया, उसके ऊपर भी टिकन लगाया, दोनों पीसेस के ऊपर टिकन लगाया हमने। बहुत ही खूबसूरत बैग है ये और बहुत ही कलरफुल, लड़कियां यूनिवर्सिटी कॉलेज भी ले जा सकती हैं, खुद बना के तो खुद ले जा सकती हैं। यानी कि इतना मज़े का ये बैग है कि आप जब बनाएंगे आप लोग खुद कहेंगे कि वाह कितना खूबसूरत बैग हमने रेडी की है। और ये इसकी मेजरमेंट, ये हम जैसे आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे इसी तरह से आपने इसको कट करना है, सेम ऐसे ही। उससे शेप इसकी ऐसी ही आएगी जैसे कि हमने आपको बैग बनाना दिखाएंगे और हमने आपको स्क्रीन पे शो कराया है। ये इसी तरह से हम दूसरा पीस काट लेंगे, मतलब ये कि नीचे वाला हिस्सा भी सेंटर से इसी तरह ही सेम काट लेंगे। आमने सामने क्रॉस बन जाएगा, जो डब्बी बनती है हमारी बैग की वो आमने सामने बन जाएगी ये इस तरह से। ऐसे ही हम इसका सारा दूसरा हिस्सा भी काट लेंगे। ये देखेंगे आपके सामने, सिर्फ हमने सिंगल साइड पे मेजरमेंट की है, उसके बाद हमने उसको उसी तरीके से सारा काट लिया। और ये हमारी लाइनिंग भी सेम मेजरमेंट से, और ये हमारा बैग, ये अब हम स्टिच कर रहे हैं। साइडों से स्टिच किया और यहाँ से स्टिच किया इसको। ये जो क्रॉस हमने बनाया था ये वो वाला क्रॉस है, इसकी आपको समझ आ गई होगी, जो हमने बीच में से क्रॉस बनाया था, जो हमने डब्बी टाइप काटा था। और ये हमने बैग सीधा कर लिया, बहुत इजी बैग है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और इस आप यानी कि कोई अनाड़ी भी होगा तो वो भी बना लेगा, इतना इजी बैग, इतने इजी तरीके से हमने आपको बैग ये दिखा रहे हैं। और इसमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें हम अपनी बुक्स भी रख सकते हैं। अब ये हमारी लाइनिंग और उसकी पॉकेट साथ में, ये देखिए बहुत ही कम टाइम में ये बैग तैयार हो जाएगा। आप इसको कॉटन पे भी तैयार कर सकते हैं, आप इसको सिल्क पे भी तैयार कर सकते हैं हम लोग इसको, और इसको हम जीन्स पे भी बना सकते हैं। ये तो हमारी अपनी मर्जी है कि हम लोग किस तरह डिज़ाइनिंग करके इसको बना सकते हैं। हम लोगों ने सिर्फ आप लोगों को तरीका शो कराया है कि हम लोग इस तरह से ये बैग तैयार कर सकते हैं। और ये बैग बहुत ही इन है, ट्रेंड में है। आप लोग जैसे ही हमारी वीडियो देखें और फौरन ट्राई कीजिएगा कि इस बैग को बना सकें। ये हमारी लाइनिंग और ये इसकी पॉकेट, जो कि हमने डबल करके बनाई है, पॉकेट को डबल कपड़ा लगाया और इसके बीच में हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे चारों तरफ, चारों तरफ नहीं तीनों तरफ सिलाई। और ये देखिए दो पॉकेट्स हमारी तैयार। उसके बाद सेम उसी प्रोसीजर से हमने इसको स्टिच करना है जैसे कि हम पहले स्टिच करते हैं, और ये बैग की शेप में आ जाएगा। बहुत ही आसान और शॉर्ट तरीके से हम आप लोगों को बैग स्टिच करना, कट करना बताते हैं। जैसे जैसे आप हमारी वीडियो को देखते जाएंगे आपको यानी कि ये बैग बनाने मुश्किल नहीं लगेंगे, इतने इजी लगेंगे कि आप कहेंगे कि हम आंखें बंद करके बना सकते हैं इसको। अब इसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी, आज देखा आपने स्टार्ट में हमने इसके ऊपर पाइपिंग भी की हुई है, खाली वो यानी कि हमने मोड़ के इसको सिलाई नहीं लगाई हुई, ये उसके ऊपर पाइपिंग आएगी, जिसकी वजह से ये बैग बहुत ही कलरफुल लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस पाइपिंग की वजह से। वैसे भी हम लोगों ने जो आपको बैग दिखाया है, ये जो आपके सामने हमने प्रिंट यूज़ किया है, जो फैब्रिक यूज़ किया है, वो बहुत ही कलरफुल मज़े का है
और उसके ऊपर जब हम ये वाली पाइपिंग करेंगे तो उसमें और कलरफुल, वो कलरफुल और हो जाएगा। ये हमने इसी तरह से, आपने भी इसको प्रेस करके बिठा लेना है पाइपिंग को, और इसके ऊपर सारी सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई लग गई इसके ऊपर। अब हमारे रह गए हैंडल। हैंडल जो हमने इसके ऊपर लगाने हैं, तो हमने हैंडल भी पाइपिंग वाले ही तैयार किए हुए हैं, इसलिए हम इसको दोनों तरफ पाइपिंग करेंगे हैंडल्स को भी। ये हमारे हैंडल्स प्रेस करके आप इस तरह बिठा सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि प्रेस करने से हमारी एक तो नीटनेस आ जाती है, और ऊपर से प्रेस करने से हमारा कपड़ा जो है वो बैठ सकता है जहाँ हम इसको बिठाना चाहें, जहाँ आप निशान लगाना चाहें हम उसको निशान लगा सकते हैं। और वैसे तो कलरफुल जीन्स भी मिलती है, अगर आप लोगों ने जीन्स में बनाना हो तो आप लोग इसको जीन्स में भी बना सकते हैं, क्योंकि आप प्रिंट जीन्स भी मिलती है। और हमारे पास पैंट्स, कोई जैकेट, कोई इस तरह का होता है कपड़ा जो कि जीन्स में होता है, तो हम आप लोग उसको यूज़ में ला सकते हैं। और ये हमारी पाइपिंग जो कि हमने हैंडल्स के ऊपर लगानी है दोनों तरफ इस तरह से। देखिए कितने इजी तरीके से हमने आपको बताया है पाइपिंग को लगाना। आप इसको पाइपिंग कह सकते हैं, मगजी कह सकते हैं, आपका जैसे दिल करे जो कहे, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से ये आप लोगों के सामने बना रहे हैं हम। आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी बनाते हुए। ये हमारे हैंडल तैयार। ये हमने इसके ऊपर ऐसे अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद हमारा बैग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ हैंडल्स हैं हमारे रह गए हैं जो हमने इसके ऊपर लगाने हैं। ये मेजरमेंट करके अपने हैंडल्स लगाए इसके ऊपर। और देखिए कितना कलरफुल और खूबसूरत सा बैग हमारा तैयार हो रहा है। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है जो कि हम लोग तैयार कर रहे हैं बैग, वो कितना खूबसूरत है। ये आपने हैंडल इस तरह से करके लगाने, जैसे हमने लगाए हैं उल्टी साइड पे रख के, तो इसको सीधा करके इसके ऊपर भी एक सिलाई आप लगा सकते हैं। और बहुत ही नीट और प्यारा, और क्या, यानी कि अगर आप लोगों को बैग बनाना आता तो आप सिर्फ 10 मिनट में ये बैग तैयार कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपको हमारी ये बैग की वीडियो पसंद आई हो, हमारा बैग पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट बैग में फिर मिलेंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। सो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह से एक और न्यू बैग आपके साथ शेयर करेंगे जो इससे भी खूबसूरत होगा और आपको पसंद आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।